पहले चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे। मैं कोई अतीक अहमद ये सब की बात नहीं कर रहा, हिंदू मुसलमान दोनों मजबूत होगा। तो सुना आपने, ये कहना है बीजेपी के कद्दावर नेता वरुण गांधी का, जो कि पीलीभीत से सांसद है। लगातार अपनी ही पार्टी पर वो सवाल खड़े करते रहे हैं और ये बयान जो उनका ताज़ा बयान है, बीते दिन उन्होंने दिया है अपने ही संसदीय इलाके का दौरा करते वक्त, ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वरुण गांधी कहते हैं कि जो चप्पल उठाते थे वो गाड़ियों में घूमते हैं, जो कल हमसे भीख मांगते थे कि कुछ बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, वो आज उस लेवल पर पहुंच गए, औकात की बात की है बेसिकली वरुण गांधी ने। इस पूरे बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। वैसे ही वरुण गांधी बीते काफ़ी समय से चर्चाओं में हैं, उनके बारे में काफ़ी सारी बातें कही जा रही है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, सपा में जा सकते हैं या वो अपनी पार्टी बदल सकते हैं। 2024 से पहले उनका हमला जो अपनी पार्टी की तरफ है वो और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। उनके हर हमले सीधे पार्टी में होते और वो भी इशारों ही इशारों में। अगर ताज़े बयान की बात करें तो आपने बयान तो पूरा सुना, इस बयान की कई मायने हैं। इस बयान में सबसे पहले वरुण गांधी ने एक मुद्दा उठाया, पार्टी नेताओं की पोल खोली और रिश्वत लेने वाले लोगों पर भी बात की, साथ ही धर्म पर भी उन्होंने बात की कि किस तरीके से एक समुदाय को दबाया जा रहा है। ये बयान इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि हाल ही में यूपी में गैंगस्टर अतीक और अशरफ की हत्या की कर दी गई, उनके बेटे असद का इनकाउंटर किया गया। इन सारे मुद्दों के बाद वरुण गांधी का बयान अहम हो जाता है। वो कहते हैं कि एक पार्टी एक समुदाय को लगातार दबाया जा रहा है। वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम जब साथ रहेंगे तभी देश मजबूत होगा। इसके अलावा भी वरुण गांधी ने काफी कुछ कहा। तभी मजबूत होगा जब हिंदू मुसलमान दोनों मजबूत होगा। हमारे देश में मैं एक हिंदू हूँ, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो टोपी पहने और मजार पे जाए वोट के लिए, मैं एक हिंदू हूँ। लेकिन मैं इस बात को दंगे की चोट पे कह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से एक समाज को डराया जा रहा है वो ठीक नहीं है देश के। मैं इस बात को बोल रहा हूं, मैं कोई अतीक अहमद ये सब की बात नहीं कर रहा क्रिमिनल की, मैं आम इंसानों की बात कर रहा हूं और मैं एक बार इस बात को मानता हूं। वरुण गांधी ने कहा कि वो नेताओं की तरह नहीं है जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में मुड़कर नहीं देखते। वो कहते हैं मैं हिंदू हूं लेकिन वोट के लिए टोपी लगाकर दूसरे धर्म स्थल पर जाऊं ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा जिस तरीके से एक समाज को डराया जा रहा है वो भी गलत है। वरुण गांधी ने कहा कि हम पीलीभीत में लगभग 35 सालों से राजनीति कर रहे हैं, मेरी माँ देश की सबसे वरिष्ठ सांसद है, मैं 3 बार से सांसद हूँ, क्या मैंने कहीं कॉलोनी काटी, क्या हमारा कोई घर या बड़ा मकान है, कोई और होता तो महल बना लेता, जो हमारी चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे आजकल 5-5 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। ये सब नेता एक समय में हमारे सामने रोकर गिड़गिड़ाते थे कि भैया हमें आगे बढ़ा दो, मौका दे दो और नेता बना दो, हमारे सामने बोलने की औकात नहीं थी। बाकी जो हमारे पहले चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे वो तो आज 5-5 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं, है कि नहीं? जो पहले इतने औकात, जो हमसे कहते थे अरे भैया भैया हमको एक बार मौका दे दो भैया, है ना, हमारे सामने बोलने की औकात नहीं रखते थे, आज सब पीलीभीत के आधा शहर घेर लिया सब लोगों ने, क्या हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सांसद ने आगे कहा कि आजकल कानों में खुश करने वाली बातों की राजनीति है, छुट्टा गोवंश की समस्या हल नहीं हुई, अपात्रों को आवाज देने पर रोक नहीं लग पा रही है। ललौड़ी खेड़ा में सांसद ने कहा कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही मजबूत होंगे तभी देश तरक्की करेगा, किसी एक समाज को डराना ठीक नहीं है। 2024 से पहले राजनीति देश की कैसी होगी ये इसी बात पर निर्भर करता है कि देश में माहौल क्या चल रहा है। जिस तरीके से माहौल चल रहा है उसी के हिसाब से राजनेता बयान देंगे और उसी बयान के बलबूते पर पूरी सियासत की कहानी रची जाएगी, ये हम सबको पता है। अब वरुण गांधी का ये बयान आगे कौन सा रुख लेता है, इस पर बीजेपी कैसा रिएक्शन देती है, वैसे काफ़ी वक्त से वरुण गांधी काफ़ी कुछ बोलते हैं अपनी पार्टी को लेकर लेकिन इस पर ज़्यादा सियासत होती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे 2024
पास आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वरुण गांधी के सामने ऑप्शंस कम होते जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या उनको बीजेपी टिकट देती है 2024 में, क्योंकि इसकी उम्मीद तो कम लग रही है जिस तरीके से वो निशाने साध रहे अपनी ही पार्टी पर। क्या वो सपा में जाते हैं, क्या वो अलग पार्टी बनाते हैं, क्या वो कांग्रेस में जाने का रास्ता चुनेंगे, ये सारी बातें आने वाले दिनों में साफ होती जाएगी धीरे धीरे जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आएगा। फिलहाल वरुण गांधी के इस बयान पर कौन सी नई सियासत शुरू होती है, विपक्ष इस पूरे बयान को किस तरीके से लेता है और बीजेपी का क्या रिएक्शन आता है, ये सब देखने वाली बात जरूर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।